गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। बेटे, हमने अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था और हमने ये प्रश्न किए थे बेटे, इसके मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, प्रश्न 2, 3 और 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। एक पीछे भी हमने ये प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया था, दिस वन। ओके बेटे, आज हम इसके लिखित प्रश्न करेंगे। लिखित प्रश्न आप देखिए बेटे, लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, लोग धोखा देने वाले को तोता चश्म क्यों कहते हैं? इसका उत्तर लिखिए, तोते को कितना भी प्यार क्यों न करो, वह प्यार के वशीभूत नहीं होता, अवसर पाते ही प्यार को भूलकर उड़ जाता है। इसीलिए लोग धोखा देने वाले और छल करने वाले को तोता चश्म कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, तोते को कितना ही प्यार क्यों न करो, वह प्यार के वशीभूत नहीं होता, अवसर पाते ही प्यार को भूलकर उड़ जाता है। इसीलिए लोग धोखा देने वाले और छल करने वालों को तोता चश्म कहते हैं। ठीक है बेटे, सेकंड क्वेश्चन देखिए अपना, वृक्ष कैसे सूख गया? इसका उत्तर देखिए, एक बहेलिए ने एक पक्षी पर बाण चलाया, बाण पक्षी को न लगकर वृक्ष के तने पर जा लगा, बाण की नोक में विष लगा हुआ था, विष के प्रभाव से वृक्ष सूखने लगा। एक बार पुनः देखिए, एक बहेलिए ने एक पक्षी पर बाण चलाया, बाण पक्षी पर न लगकर वृक्ष के तने में जा लगा, बाण की नोक में विष लगा हुआ था, विष के प्रभाव से वृक्ष सूखने लगा। थर्ड प्रश्न है आपका, तीसरा, तोते ने इंद्र भगवान को कोटर छोड़कर न जाने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर देखिए, तोते ने इंद्र भगवान को बताया कि मैं इस वृक्ष पर रहकर ही पला व बड़ा हुआ हूँ, इसके उपकारों से ही मेरा शरीर बना है, बुरे दिनों में इसके साथ रहना मेरा धर्म है। एक बार फिर से देखिए, तोते ने इंद्र भगवान को बताया कि मैं इस वृक्ष में रहकर ही पला व बड़ा हुआ हूँ, इसके उपकारों से मेरा शरीर बना हुआ है, बुरे दिनों में इसके साथ रहना मेरा धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तोते ने देवराज इंद्र से क्या देने को कहा? इसका उत्तर देखिए, तोते ने देवराज इंद्र से वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा बनाने को कहा। उत्तर फिर से देखिए, तोते ने देवराज इंद्र से वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा बनाने को कहा। नाउ टर्न योर पेज बेटे, अगला प्रश्न देखिए, भाषा अध्ययन का दूसरा बेटे, ये प्रश्न हमने कर लिया था अपना। अगला प्रश्न देखिए, आप भी धर्म शब्द पे ज्ञ बनाने से लगाने पर धर्मज्ञ, जिसका अर्थ धर्म का ज्ञाता, इस तरह से ज्ञ लगने पर ये शब्द बन गया। इसी तरह हमें बाकी शब्द पे भी ज्ञ शब्द लगाकर अलग शब्द बनाना है, जैसे विशेष के आगे ज्ञ बन गया तो विशेषज्ञ, मर्म के आगे ज्ञ लग गया तो मर्मज्ञ, वी के आगे ज्ञ लग गया तो विज्ञ, गणित के आगे ज्ञ लग गया तो गणितज्ञ, सर्व के आगे ज्ञ लगा सर्वज्ञ, शास्त्र के प्लस ज्ञ शास्त्र के आगे लगा ज्ञ तो शास्त्रज्ञ। प्रश्न 3 देखिए, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए पाठ में एक शब्द छांटकर लिखिए। प्रेरणा देने वाला प्रेरणादायक, उत्साह बढ़ाने वाला उत्साहवर्धक, धर्म की जानकारी रखने वाला धर्मज्ञ, जो कभी ना मिटे अमिट, नकल करने वाला नकलची। प्रश्न 4, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए। जैसे ये अपने वर्ण विच्छेद किया हुआ है, वर्ण विच्छेद को जोड़कर लिखना वर्ण संयोग कहलाता है बेटे। तो इन वर्णों का वर्ण विच्छेद किया गया है, आपको वर्ण संयोग करके लिखा हुआ है। जैसे मैं है, मैं में ई की मात्रा लग गया तो क्या बन गया, मी। ठे में आ लग गया तो ठा, और से, से ये आधा से है और इसमें ए लग गया तो स कंप्लीट हो गया, मिठास।
वृक्ष, तोता, इस तरह से हमारे ये शब्द बन जाएंगी। ओके बेटे, ये इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट, इस चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। बेटे ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करना है, आज का आपका होमवर्क है और इसे चैप्टर को लर्न करना है। ठीक है बेटे, ये प्रश्न उत्तर लिखित प्रश्न, प्रश्न 5 आपको अपनी नोटबुक में करना है, बाकी प्रश्न आपको अपनी बुक में ही करने हैं। अपना ये पार्ट 4 आज हमारा कंप्लीट हो गया है, इस पार्ट 4 को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है बेटे, अगले आगे की स्टडीज हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटे।